वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग करके बता रही हूँ। सिंपल सलवार जो कि बिना बेल्ट के बनाई जाती है, उसमें जो मैं आपको मैं ड्रॉ करके भी बताने लगी हूँ, उस सलवार की जो लंबाई है वो 34 इंच है और जो आसन जिसको हम क्रॉच बोलते हैं वो 13 इंच रेडी है और मोहरी है जो वो 7 इंच रेडी है। तो जो हम कटिंग करने के लिए इसकी लेंथ लेंगे वो हम इसकी लेंथ ज़्यादा लेते हैं, 34 + 3 इंच का मार्जिन लेते हैं, 37 इंच की कटिंग होगी इसकी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस सलवार के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पेपर पे स्केल की हेल्प से ड्रॉ करके बताऊंगी और स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको हम 1 इंच पोज करके चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने पेपर ले लिया है, जो 2.5 मीटर कपड़ा होगा उस कपड़े में से हम फुल लेंथ में से 37 इंच जो है वो निकाल लेंगे कपड़ा। 37 इंच क्यों निकालेंगे, जो हम जिसको हम पल्ला बोलते हैं या फिर पट भी बोलते हैं या फिर कई लोग पोंचा बोलते हैं, उसके लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे 37 इंच में से, फुल लेंथ में से। मैं ऐसे निशान लगा, ये फ्रेंड्स मैंने 37 इंच पे निशान लगा दिए। अब मैं क्या करूँगी, इन निशानों को मैं मिला दूँगी, स्ट्रेट लाइन कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसकी कटिंग कर दूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी कपड़ा उठा देंगे। तो ये हम जो 37 इंच का जो ये पीस है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसकी जो जो हमारी पल्ला है उसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे 14 इंच, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरी मोरी है वो रेडी है, कितनी 13 इंच रेडी है, सॉरी 7 इंच रेडी है। तो उसके लिए मैं 14 14 इंच पे ऐसे निशान लगा लूँगी, देखिए ऐसे, ये मैं 14 14 इंच पे ऐसे नीचे तक निशान लगा लूँगी। ये मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, इनको इन सभी पॉइंट्स को मिला लूँगी, देखिए ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे उठा के यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे और जो ये बन साइड है हम ये कटिंग कर लेंगे, तो हमारे इसमें से 2 पल्ले निकल आएंगे। ये फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मेरा एक्स्ट्रा पीस, इसको मैं उठा दूंगी। ये देखिए ये मेरे 2 14 14 इंच के जो हैं वो पल्ले निकल आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कली की कटिंग करें। अब कली की कटिंग करने के लिए जो मेरा जो बाकी पीस बचा है इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे इसको फोल्ड कर लूंगी, ये देखिए ऐसे मेरा पीस फोल्ड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, 37 इंच मैंने आपको जो बताया है कि मेरी जो सलवार की लेंथ है 37 इंच है, तो मैं यहाँ से 37 इंच जो लेंथ है वो मार्क कर लूँगी। ये देखिए 37 इंच ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। और अब यहाँ से मैं क्रॉच रखूँगी 16 1/2 इंचेस, ये देखिए 16 1/2 इंचेस, ये हो गया मेरा 16 1/2 इंचेस। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इन दोनों इस जो पॉइंट की जो मैं ब्रॉडनेस लूँगी वो मैं लूँगी, विड्थ लूँगी इसकी यहाँ से वो मैं 2.5 इंच लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने 2.5 इंच क्यों लिया है मैं आपको ये भी बताती हूँ, और जो मैंने वो पल्ले की कटिंग की है 14 इंच की मैं वो भी बताती हूँ क्यों की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ये देखिए ये मैंने ये 2.5 इंच पे इसको ऐसे मिला दिया है। तो फ्रेंड जो मैंने जो पहले ये पल्ले की कटिंग की है, ये मैंने जो 14 इंच की है ये मैंने क्यों की है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जैसे जो मैंने पल्ले की वो चौड़ाई ली है वो 14 इंच ली है, तो मेरा यहाँ से आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और आधा इंच यहाँ से सिलाई में आ जाएगा, तो मेरा 13 इंच रह जाएगा। इट मीन्स मेरा 6.5 इंच रेडी होगा, जबकि मेरी मोरी है 7 इंच रेडी है। अब मुझे आधा इंच और चाहिए तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने जो ये 2.5 इंच लिया है ये मैंने इसीलिए लिया, 2.5 इंच में से इधर भी हमारा आधा इंच आ जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कैसे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली और जो ये मेरी बन साइड थी इसको भी मैंने सेंटर में से काट लिया है यहाँ से, ये जो क्रॉच की साइड मेरी बन थी। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ये मेरी 2 कलियाँ निकल आई हैं, ये देखिए ऐसे ये मेरी 2 कलियाँ निकल आई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों कलियों को उठा के
इसके ऊपर रखूंगी यहाँ पे। ये फ्रेंड्स मैंने ये हमने क्या करना है इसमें इसमें ये हमारी ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारा इस साइड से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम कटिंग कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो कलियों के अकॉर्डिंग ये मैंने जो रखी है ऐसे, उसके हिसाब से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और जो ये मेरी बन साइड है इसको भी मैं कट करके ओपन कर लूँगी, ऐसे कटिंग कर लूँगी मैं। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। और अब मैं आपको सलवार रख के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सलवार ऐसी लगेगी। ये मैंने दोनों वो पल्ले रख दिए हैं और साथ में ये अपनी चारों की चारों कली रख दी हैं। तो ऐसी मेरी सलवार आएगी। जो आपने मैं आपको मैंने ये बताना था अभी कि 2.5 इंच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये 6.5 इंच मेरा रेडी रह जाएगा। आपको मैंने ये बताया था कि ये 6.5 इंच रेडी रह जाएगा। ये जो मैंने 2.5 इंच लिया है तो इसमें से आधा इंच यहाँ से हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा हमें 7 इंच रेडी चाहिए। 6.5 हमारा यहाँ तक पूरा हो गया था, आधा इंच हम यहाँ से छोड़ के बाकी ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। और ये मेरा मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। और जो ये यहाँ से 2.5 इंच है हमारा, ये फोल्ड हो जाएगा कपड़ा और हमारी जो सलवार की लेंथ है 34 इंच रेडी रह जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।